हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिल्क साड़ी रैपिंग, जो कि वेडिंग स्टाइल हम इसको कह सकते हैं, पार्टी वेयर कह सकते हैं, या फिर किसी एंगेजमेंट वगैरह के लिए अगर आपको अलग अलग तरीके की स्टाइल चाहिए, तो आज के इस वीडियो में ये रैपिंग स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास ये येलो कलर की और रेड कलर में इसकी बॉर्डर दी हुई है, इस तरीके की ये साड़ी है। सो यहाँ पर साड़ी का ब्लाउज पीस मैंने निकाला नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फोल्ड करते हुए साड़ी का भी फर्स्ट राउंड यहाँ पर जो होता है बेसिक ड्रेप, वो मैं यहाँ पर इस तरीके से बना लूँगी। बेसिक ड्रेप करते वक्त नीचे से आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं और ज़्यादा भी ऊपर नहीं, हील्स कैरी कर लेने हैं, वेयर कर लेने हैं, और उसके बाद में ही फर्स्ट जो बेसिक राउंड होता है वो कम्प्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पल्लू की। तो पल्लू को अब हम इस तरीके से प्लीट्स बना लेंगे। आई होप आप सभी को अभी प्लीट्स बनाना अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं इसके ऊपर। और देखिएगा, यहाँ पर प्लीट्स हम मीडियम लेंथ के बनाएंगे। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपकी साड़ी ज़्यादा इसका फैब्रिक वगैरह सॉफ्ट नहीं है, तो सेफ्टी पिन्स पहले लगा लीजिएगा, अच्छी तरीके से पल्लू को पहले बना लीजिएगा। इससे होता ये है कि हमारे जो साड़ी है वो नीट एंड क्लीन रिप उसकी हो जाती है। सो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, पल्लू को बना लिया है और पीछे से एक राउंड लाते हुए अभी मैं लेफ्ट वाले शोल्डर पर डालूंगी और सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा लूँगी। तो अभी देखिएगा, यहाँ पर जो हम आज की ड्रेप देख रहे हैं ये कुछ अलग है, बंगाली का न्यू वर्जन इसको हम कहेंगे, ओडियो ड्रेप और बंगाली इसका मिक्सचर हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब सेकंड राउंड लेते हैं और पल्लू को लेफ्ट वाले शोल्डर पर डालते हैं, तो यहाँ पर सेकंड राउंड मैंने नहीं लिया, सामने की तरफ से बंगाली ड्रेप में जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से लिया है। उसके बाद में जो सामने का फैब्रिक बचा हुआ था उसके अब हम यहाँ पर प्लीट्स बना लेंगे। यहाँ पर प्लीट्स थोड़े ज़्यादा बनेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकेंड राउंड हमने नहीं लिया था। सो इसी की वजह से ये ओडियो ड्रेप जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि सामने की तरफ से एक अलग लुक हमारा यहाँ पर बन जाता है। सो इस तरीके से अब हम इसकी प्लीट्स बना लेंगे और अच्छे से इसको अरेंज करेंगे। अगर आपको किसी वेडिंग फंक्शन में ये ड्रेप करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और दो कलर की साड़ी होगी, यानी कि इसका पल्लू का पोर्शन अलग कलर में होगा, तो और भी अच्छी तरीके से ड्रेप लगता है। इस तरीके से अभी बेली बटन के नीचे हमें थोड़ा सा राइट साइड में इसको टक करना है, ज़्यादा ही लेफ्ट साइड में टक नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पल्लू का पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, एक तरफ से इसकी बॉर्डर दिखाई देती है इसीलिए। सो थोड़ा सा राइट साइड में प्लीट्स को हमें इस तरीके से टक करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है अंदर का, इसको अब मैं इस तरीके से टक कर लूँगी। जो साड़ी की बॉर्डर है आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर इस तरीके की रिंकल्स एक तरफ से बन जाते हैं। सो इस रिंकल्स को भी हमें अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करते हुए अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है। अभी जो पल्लू का पोर्शन है उसके सेफ्टी पिन हम निकाल लेंगे, पल्लू की जो कॉर्नर है इस तरीके से लेंगे और जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाई थी ऊपर की तरफ, उसके नीचे इसको रखेंगे और एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको इस तरीके से कॉर्नर को सेट कर लेंगे। बाद में जो नीचे का पल्लू का पोर्शन है उसको भी अब हमें अच्छी तरीके से इसी तरीके से सेट करना है। सो इस तरीके से अब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। सो देखिएगा, पल्लू का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। इसके लिए आपको एक वेस्ट बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वेस्ट बेल्ट अगर हम लगाते हैं तो और भी चार चांद हमारी साड़ी पर लग जाते हैं। यहाँ पर ये रिंकल्स आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से आए हैं। सो इसी तरीके से रिंकल्स सामने की तरफ से आने चाहिए और हमारी जो सामने की प्लीट्स है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। सो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। मैं आपके साथ अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल शेयर कर रही हूँ, आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। सो देखिएगा, ये थी हमारी फर्स्ट ड्रेप। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ड्रेप की तरफ। तो सेकंड ड्रेप यहाँ पर जो कि वराहलक्ष्मी ड्रेपिंग होती है, साउथ लहंगा स्टाइल भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर साड़ी जो है हमारी, तो यहाँ पर पूरी हमें यहाँ अभी पहले प्लीट्स बना लेनी है पूरी साड़ी के, लेकिन यहाँ पर पल्लू का पोर्शन थोड़ा सा छोड़ देना है। सो पल्लू का पोर्शन हम छोड़ देंगे उतनी लेंथ और पूरी साड़ी की प्लीट्स बना लेंगे। प्लीट्स बनाने के बाद इसको अरेंज करना ना भूलिएगा, और अरेंज कर अच्छे से करेंगे तभी हमारा जो लुक है, हमारी जो प्लीट्स है वो अच्छी तरीके से दिखाई देगी। और एक बात कि इस ड्रेप में हमें
कोई कनकन स्कर्ट हो या फिर कोई भी साड़ी पर मैचिंग आपके पास स्कर्ट हो तो वो वेयर कर लीजिएगा। इस ड्रेप में स्कर्ट हमारा पीछे की तरफ से दिखाई देता है, सो इसी के वजह से स्कर्ट मैचिंग होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सो इस तरीके से अब हम प्लीट्स बना लेंगे और प्लीट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, नहीं तो बीच में कुछ अंदर की तरफ प्लीट्स चली जाती है और बाद में हम सेट करते हैं ऊपर की तरफ से ही और अंदर की प्लीट्स दिखाई नहीं देती, सो इसकी वजह से हमारी ड्रेपिंग फिर बाद में अच्छी नहीं दिखाई देती। सो इस तरीके से पूरी प्लेट्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद इस तरीके से अभी मैंने स्कर्ट वेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लेट्स को अरेंज करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सेफ्टी पिन लगाएंगे और इस तरीके से बेली बटन के नीचे अब हमें इसको टक करना है। उससे पहले थोड़ा सा प्लेट्स को अरेंज करेंगे, बाद में राइट साइड का ये वाला जो पोर्शन है इसको लेंगे इस तरीके से और एक तरफ से अब हम इसकी प्लीट्स बना लेंगे और सामने की तरफ से भी इसी तरीके से प्लीट्स को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद ये वाला जो पल्लू का पोर्शन है उसको अब हमें लेना है और पल्लू के पोर्शन यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। पल्लू का जो पोर्शन है अभी छोटा ही हम बनाएंगे, सामने की तरफ से हमें इसको लाना है तो ज़्यादा पल्लू यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। सो पल्लू का जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको हम नीट एंड क्लीन इसकी प्लीट्स यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। सो इस तरीके से अब मैं पीछे से इसको सामने की तरफ लेकर आऊँगी और राइट वाले शोल्डर पर एक पिन लगाकर इसको सेट करेंगे। सामने की तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो और भी लुक हमारा अच्छा लगता है। सो इस ड्रेप में भी वेस्ट बैंड हम लगाएंगे तो और भी अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर दिखेगा एक सेफ्टी पिन में इस तरीके से लगा रही हूँ। सारी प्लेट्स एक तरफ रखते हुए हमने और नीचे की जो प्लीट है उसको पीछे की तरफ ले जाकर पिन लगा ली है। एक वेस्ट बैंड लगा लेंगे और सामने की जो आप देख सकते हैं प्लीट्स आई है उसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। सो ये जो ड्रेप है अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है, पीछे से कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता है। दोनों तरफ से बॉर्डर आती है और स्कर्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए कोई भी स्कर्ट आपके पास है सो आप इसको इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो ये ड्रेपिंग कुछ इस तरीके से आती है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लुक यहाँ पर मेरे आई हुई है। सो आपको कौन सी ड्रेपिंग स्टाइल अच्छी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ जो कि है लहंगा ड्रेपिंग स्टाइल। सो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी मैंने स्कर्ट वेयर किया हुआ है। आप कनकन स्कर्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल पेटीकोट का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो ब्लाउज पीस हमने निकाला नहीं था इसका ये पोर्शन है, इसको अब हमें राइट साइड में इस तरीके से टक करना है। बाद में यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स इसके बना लेने हैं, थोड़े से अरेंज कर लेने हैं। इस तरीके से बड़े बड़े प्लीट्स यहाँ पर बनाएंगे, बॉक्स टाइप प्लीट्स हमारे यहाँ पर आने चाहिए, एकदम छोटे छोटे प्लीट्स हम नहीं यहाँ पर बनाएंगे। ये जो लहंगा है ये बहुत ही ईजी बन जाता है और साड़ी से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी पार्टी फंक्शन के लिए, शादी के लिए अगर आपको पहनना है तो साड़ी से ही आप देख सकते हैं इजीली ये वेयर हो जाता है। बॉक्स टाइप प्लीट्स यहाँ पर बनाएंगे और प्लीट्स को बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि निकल सकती है प्लीट्स तो चारों तरफ से आप सेफ्टी पिन्स भी लगा सकते हैं। हालांकि सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सो लेकिन आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा सिल्की है, उसका टेक्चर सिल्की हो तो वो निकल सकता है, ऐसा आपको लगता है तो लगा भी सकते हैं। बाद में जो पल्लू का पोर्शन है हम इस तरीके से राइट साइड से सामने की तरफ लाएंगे और पल्लू को अच्छी तरीके से अरेंज कर लेंगे। पीछे से बहुत सारा फैब्रिक यहाँ पर बच जाता है, सो हमारी जो पल्लू की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी इस ड्रेप में आती है। यहाँ पर जो फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करेंगे और इस तरीके से अब हम प्लीट्स इसको अरेंज करते हुए टकिन कर देंगे। सो यहाँ पर देखिएगा कितना सारा फैब्रिक बचा हुआ है। यहाँ पर भी सामने की तरफ मैं इस तरीके से अभी जो नीचे के बॉर्डर है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा लूँगी। सेफ्टी पिन से अच्छे से सेट करते हुए ये वाला जो पोर्शन है इसको अब हम इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाएंगे और कमर में पीछे की तरफ टक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे से भी इसका लुक कितना अच्छा आया है। रेड कलर का पोर्शन, येलो कलर का पोर्शन और एक तरफ से साड़ी की जो बॉर्डर आती है ये इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि
फाइनल जो लुक हमारा आता है इसमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और इजी टू वेयर हो जाता है। और दो कलर में ये साड़ी हमारी दिखाई दे रही है लहंगा, क्योंकि इसका ब्लाउज पीस हमने निकाला नहीं था। अगर आपने निकाला भी है तो कोई भी हरकत नहीं, उससे भी आप अच्छा लुक पा सकते हैं। अभी हम हमारे फोर्थ स्टाइल की तरफ चलेंगे। सो धोती ड्रेप है, यहाँ पर हमने जो लेफ़्ट साइड में पोर्शन थोड़ा था छोड़ा था वो कम था, और राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ते हुए इस तरीके से एक नॉट के साथ हम इसको कैरी कर लेंगे। बाद में ये वाला जो फैब्रिक है पैर के नीचे से हम लेफ़्ट वाले इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से निकालने के बाद ब्लाउज़ पीस का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आएगा। सो इसको अब हम अच्छे से सेट करेंगे। एक सेफ्टी पिन यहाँ पर हम लगा लेंगे। सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसको जिस जहाँ पर हमने नॉट बनाई थी उसके नीचे से इसको इस तरीके से निकालना है। सो ये रेड कलर का पोर्शन इस तरीके से आएगा। एक अलग तरीके का लुक हमें इस ड्रेपिंग में मिलता है। तो ये रेड कलर का जो पोर्शन है इसको अब हमें इस तरीके से कुछ सेट करना है। सो पीछे की तरफ में हम इसको लेकर जाएंगे और सेफ्टी पिन से इसको सेट कर लेंगे। और पीछे की तरफ हम जहाँ पर सेफ्टी पिन्स लगाते हैं तो वो भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि राइट साइड का पोर्शन उस पर आ जाता है। सो इस तरीके से लेकर जाना है और सेफ्टी पिन से सेट कर लेना है। सो एक तरफ से कुछ इस तरीके का रेड कलर का पोर्शन आएगा हमारा। सो बहुत ही यूनिक और अच्छी ड्रेपिंग हमारी यहाँ पर दिखाई देती है। पीछे की साइड में सेफ्टी पिन लगा कर सेट कर लेना है। अभी राइट साइड का जो पोर्शन है, पल्लू का पोर्शन हमने पहले ड्रेप्स में बनाया था ड्रेपिंग में, सो वैसे ही रहने दिया है, उसको मैंने निकाला नहीं था। सो इस तरीके से ये वाला फैब्रिक निकालेंगे, यहाँ पर पल्लू का पोर्शन सेट करेंगे और सेट करने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पर इस तरीके से डाल देंगे। अभी इस ड्रेपिंग में पल्लू छोटा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पल्लू रखना चाहूँगी। सो अच्छी खासी लेंथ में भी हम पल्लू इस पर रखेंगे तो भी हमारा लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पल्लू को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए यहाँ पर मैं इसको सेफ्टी पिन लगाकर इस तरीके से सेट कर लूँगी। अब जो बची हुई फैब्रिक है यहाँ पर सामने की तरफ से, तो यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पल्लू की जो लेंथ है प्लीट्स की वो छोटी रखना चाहूँगी। सो इसी तरीके से सेट करते हुए ये वाला जो फैब्रिक है यहाँ पर 2-3 प्लीट्स बनाएंगे और इसको अब हम पीछे की तरफ सेट कर लेंगे, टक इन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर का पोर्शन हमने बनाया था उसको जो सेफ्टी पिन लगाई थी वो कवर हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो इस तरीके से फाइनल जो लुक है हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो मॉडर्न नववारी भी हम इसको कह सकते हैं। सो फाइनल जो लुक है हमारा कुछ इस तरीके से आया है। एक तरफ से रेड कलर का पोर्शन आता है और एक तरफ से येल्लो कलर का। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रिपिंग लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।